नमस्कार, मैं जनार्दन, स्वागत करता हूं आपका लोकमत न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। रुख करते हैं आज यानी 3 अप्रैल 2018 की खास खबरों का। कर्नाटक के चुनावी सभा में बोले राहुल, मोदी ने विकास के बजाय सांप्रदायिकता के बीज बोए। कॉमनवेल्थ गेम में आघात से पहले बॉक्सर के कमरे में सिरिंज मिलने के केस में CGF कोर्ट ने लगाई भारतीय डॉक्टर को फटकार, कहा ऐसी गलती दोबारा न हो। SC ST एक्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा बेगुनाह को नहीं होनी चाहिए सजा। राजस्थान के हिंडौन में भीड़ ने दो दलित नेताओं के घर में की आगजनी, शहर में कर्फ्यू लगा। फेक न्यूज मामले में स्मृति ईरानी के मंत्रालय की गाइडलाइन पर मोदी ने लगाई रोक, कहा इस पर प्रेस काउंसिल ही गौर करे। CBSE पेपर लीक मामले में CBI ने सुनाया फैसला, दोबारा नहीं होंगे 10वीं बोर्ड के मैथ्स के पेपर, हालांकि पर्चा 5 राज्यों में लीक होने की हुई थी पुष्टि। इराक में मारे गए 39 लोगों के परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए, PM मोदी ने किया ऐलान। राजस्थान में अपनी ही सरकार से खफा चल रहे BJP विधायक घनश्याम तिवारी ने बनाई अलग पार्टी, बेटे अखिलेश को बनाया पार्टी अध्यक्ष। बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया पर सबसे बड़ी जीत, फिलेंडर ने चटकाए 6 विकेट। टाइगर श्रॉफ की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, बागी 2 ने 4 दिनों में कमाए 85 करोड़ रुपए। तो ये थी अब तक की दिन भर की खास खबरें। देश, दुनिया, मनोरंजन, खेल और लाइफस्टाइल की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारी वेबसाइट lokmatnews.in पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा लोकमत न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें।